लोग सब आ गए हो? हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम तुम्हारी झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा मामा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोगों को देने के लिए? तुम लोग सब कहानी याद रखना, तो फिर सुनो। अनुकूल बाबू के घर में आज खुशियों की ही किलकारी गूंज रही है। कारण यह है कि घर में एक नया मेहमान अनुकूल बाबू का इकलौता संतान छोटू का प्रथम जन्मदिन। रायचंद्र छोटू की समस्त जिम्मेदारी उठाते हैं अनुकूल के पुराने नौकर। सुना जाता है कि छोटू के पिता अनुकूल को ये गोद में ही अपने पोस पाल के बड़े किए हैं, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। लो 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 लो, खा लो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा खा लो, खा लो, खा लो। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। लो 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 लो, अच्छे बच्चे, लो 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 लो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा। अब नहीं खिलाऊंगा, ठीक है? मत रो बेटा, मत रो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नहीं 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 खाऊंगा, नहीं 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 खाऊंगा। मत रो, मत रो, पानी पियोगे, पानी लेके आता हूँ। ये देखो शैतान छोटू को। क्या हुआ, क्या हुआ रायचंद्र, क्या हुआ? मालकिन ये देखो छोटू को चलना सीख रहा है। देखना मालकिन, हमारा छोटू पढ़ लिखकर जज बनेगा। पता है लाखों लाखों कमाएगा। तुम भी ना रायचंद्र, सच में। रायचंद्र और उनके छोटू, साल गुजरता गया और वो बढ़ते गए। एक दिन किसका पत्र आया है? बदली का पत्र। ज्यादा दूर मत जाओ बेटा, आज बादल बहुत ही गरज रहा है। अब चिंता मत कीजिए मालकिन, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे हम लोग। छोटू हम लोग घूमने चलेंगे, चलो 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 चलो। छोटू आज नहीं, आज नहीं, बाद में, बाद में। फोन चाहिए, 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 फोन, फोन चाहिए, फोन दीजिए ना, फोन, फोन। ठीक है बाबा, ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ। तुम नीचे मत उतरना, उस नदी के किनारे मत जाना, मैं अभी वापिस आ जाऊंगा। हाँ, तुम कहीं मत जाना, समझे? वही पे बैठे रहना, ठीक है? हाँ? टूट गया फूल, लेके जाता हूँ छोटू के पास। ओह छोटू, ये लो तुम्हारा फूल। छोटू, छोटू, छोटू,
छोटू छोटू तुम कहाँ हो? छोटू छोटू तुम कहाँ हो? वापिस आओ छोटू। तू जितना पैसा लेगा रायचंद्र, दे दे मेरा बच्चा, दे 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 दे। मुझे नहीं पता है मलकिन, मुझ पे विश्वास कीजिए। चला जा मेरे आंखों के सामने से, चला जा चला जा। शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ये तो एक दुर्घटना है, इसमें उसकी क्या गलती है? छोटू मेरा बच्चा, मेरे छोटू के पास कुछ गहने थे, उसी के गहने के लिए ही चोरी किया होगा ये। मलकिन चोरी की कलंक अपने सर लिए अपने गांव वापस चला गया रायचंद्र। एक साल के अंदर ही पिता बन गया रायचंद्र। मैं अपने बेटे को एक बड़े घर के बेटे जैसा पालूंगा उसे। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो मेरा बेटा है। मैं कल ही उसे शहर लेके जाऊंगा स्कूल में शिक्षा के लिए। ऐसे ही 12 साल बीत गया। एक दिन मालिक कौन? मैं रायचंद्र। हाँ रायचंद्र, और क्या चाहता है तू? हाँ क्या चाहता है, फिर से यहाँ पे क्यों आया है तू? मलकिन मैं ही आपके बेटे को चुराया था, और कोई नहीं मैं ही चुराया था। मैं मलकिन मैं ही। ये क्या बोल रहा है तू? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? मलकिन ये रहा आपका बेटा, यही है आपका बेटा मलकिन। छोटू मेरा बच्चा, आ बेटा आ मेरे पास, आ बेटा आ बेटा आ बेटा मेरे पास आ बेटा, कहाँ था इतने दिन से तू? आ मेरा बेटा, आ आ आ मेरा बेटा, मेरा छोटू, मेरा राजा बेटा, आ मेरे पास आ बेटा, मेरा राजा मेरा बेटा, आ आ। ये मेरा बेटा है, इसका क्या सबूत है? इसका सबूत तो मेरे पास नहीं है मालिक, मैं आपका बेटा चुराया था, आज मैं वापिस कर दिया मालिक। तुम मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किए? मेरा बेटा सही सलामत मेरे पास आ गया, आप उनको माफ कर दीजिए। मालिक मालिक। पापा उनको माफ कर दीजिए, वो बहुत ही गरीब है, उनको कुछ पैसे दे दीजिए। छोटू मेरा बच्चा। महीने के अंत में रायचंद्र के गांव कुछ पैसे भेजे गए, लेकिन वो पैसा वापिस आ गया क्योंकि वहां पे अब कोई नहीं रहता था।